हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि चने की मसालेदार सब्जी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें, आइए देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए उबला हुआ चना, उबला हुआ आलू, थोड़ा जीरा, कटी हुई प्याज, और ये हमारा चाहिए, हमारा ये सब्जी मसाला है। और ये प्याज और लहसुन का पेस्ट है, बना के तैयार कर लिया है। और नमक, लाल मिर्च और हल्दी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा और प्याज को डाल देंगे। अब चम्मच से इसको थोड़ा सा चला लेंगे, मिक्स हो जाए। अब जब हमारा ये मसाला थोड़ा पक जाएगा तो उसके बाद हम प्याज और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसको धीरे धीरे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। थोड़ी देर हम इसको पेस्ट को पका लेंगे धीमी आंच में। अब ये हमारा पेस्ट जो है थोड़ा सा पक चुका है। अब इसमें हम सब्जी मसाला और हल्दी डाल लेंगे। अब इन सबको थोड़ी देर धीमी आंच में पका लेंगे। ज़्यादा तेज आंच में मत पकाइएगा क्योंकि तेज आंच में पकाने से ये जल जाएगा। ये हमारा पेस्ट जो है अब पक कर तैयार हो चुका है। इसको लगभग हमने 2 से 3 मिनट धीमी आंच में पकाया है। अब इसमें हम उबला हुआ आलू मिलाएंगे और उबला हुआ चना मिलाएंगे। अब इन सब को धीरे से मिला लेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्वादानुसार नमक थोड़ा सा डाल लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा लाल मिर्च, जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च डाल लीजिए। उसके बाद इन सब को मिला लीजिए। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे। अब पानी मिलाने के बाद इसको हम ढक देंगे और कम से कम लगभग 10 मिनट तक ढका रहने देंगे। अब हम इसको देख लेते हैं खोल करके। अब ये हमारी चने और आलू की मसालेदार सब्जी तैयार हो चुकी है।